हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक नॉर्मल डे। सो अभी मैं बना रहा हूँ चुक। जो भी चंबा के लोग होंगे या हिमाचल के होंगे उनको पता होगा कि चुक क्या होती है। सो इस जो ये व्लॉग है इसकी शुरुआत होती है कल से, जबकि हम इसकी चोरी के लिए गए थे, लेकिन वो जो प्लान था वो एकदम फ्लॉप रहा, मतलब फेल हो गया। सो आज मांग के लाए हैं, अभी जिनके पेड़ हैं उनसे मांग के लाए हैं और आज लाए हैं दो गलगल और अभी इनकी हम चुक बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी शालू मेरी सिस्टर गई है अभी पुदीना और मसाला जो है वो बनाने के लिए, मसाला बनाने के लिए इसके लिए। सो जो मेरा टास्क है वो है इसको पहले पील करना, पील ऑफ करना, इसके जो छिलका है वो निकाल के उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना, जो कि मैं अभी करूँगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में नहीं, मतलब अभी करूँगा। सो आप भी देखिए और इन्जॉय करिए। और हाँ, जिन लोगों को पता है उनकी ये क्या है तो उनको तो उनके मुंह में तो अभी से पानी आ रहा होगा। सो कोई नहीं, सॉरी उन लोगों को। अगर आपको भी खाना है तो आप आ सकते हो, लेकिन जब तक आप आओगे तब तक तो ये फिनिश हो चुका होगा। वैसे तो एक से ही काम चल पड़ता है, लेकिन अभी डिमांड बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है तो दो दो बनाने पड़ेंगे। और इसको मैं बना रहा हूँ परात में, जो कि बहुत ही बड़ी है, क्योंकि इसमें मिक्स करना इसको अच्छा इजीली मिक्स हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो भी मैं इस वीडियो को वन शॉट में ही बनाऊंगा। तो अभी मैं अपने घर की छत पे हूँ, वैसे आपको पता चल ही गया होगा एम्बियंस क्या है वैसे आपको पता चल ही गया होगा। ये अभी लेंटर है, इसके ऊपर बैठा हुआ मैं। तो आज धूप भी नहीं है, वैसे ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है। वैसे इस टाइम इसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कह रहे हैं, अब मन कर रहा है तो खा ही लेते हैं। वैसे मन को ज़्यादा तरसाना भी नहीं चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द टॉक, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ना, अगर मैं आपको बता दूँ तो इसका जो छिलका होता है वो भी काफ़ी मीठा होता है, तो अगर आप कभी बना रहे हैं इसको तो उसको खा भी सकते हो बनाते टाइम, कि थोड़ा कुछ मंच करने के लिए हो जाए उसके लिए खा भी सकते हो आप। बस यही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी जो कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो गलगल की कटिंग है वो एकदम से हो चुकी है, बस अब इसको थोड़ा सा मैश करेंगे और इसमें मसाले मिक्स करेंगे, उसके बाद खाएंगे इसको। ये जो छिलका होता है, इस छिलके की जो गिरी होती है वो बहुत ही मीठी होती है। सो इसको ऐसे करके निकाल लेते हैं, ये देखो इस तरह से। और अभी नेक्स्ट खा गया, कोई ना, मैं दूसरी कर लूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो अभी ये काट लिया हमने, गलगल काट लिए और अब इसको मैश करेंगे बहुत ही अच्छे से, मतलब कि इसका जो रस है वो अच्छे से निकाल लेंगे, जो कि अभी हम उसको उसमें मसाले मिक्स करेंगे और अच्छे से ये मिक्स हो। उसके लिए मैश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो लेट्स डू इट। और अभी मसाले भी आ रहे हैं, कौन सा, और इसमें पुदीना और लहसुन का पेस्ट है। इसको अभी हमने चटनी की तरह मैश कर लिया है और बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे और इसमें जो मसाले वगैरह डालने हैं बाकी एक्स्ट्रा, वो अभी शालू लेके आएगी। सो अभी करते हैं इसको मिक्स। बहुत ही अच्छा पेस्ट बना हुआ है, लेकिन उससे पहले इसको मैश करते हैं। जो आगे तो कम बढ़ जाओ।
सो अभी हमने इसमें 2 स्पून सॉल्ट डाला है, 1.5 स्पून मिर्च डाली है, लाल मिर्च जो कि घर पे बनी हुई है, और 1.5 चम्मच हमने इसमें डाला है गरम मसाला। सो अभी इसमें हम कोई 4-5 चम्मच अभी चीनी डालेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या डालना है, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। सो अभी इसमें मसाले डाल दिए हैं और इसको 5 मिनट रेस्ट देने के बाद अब इसमें डालेंगे हम चीनी। तो चीनी डालने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसको खा लेंगे। Whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. How are you doing that? सो अभी पूरी तरह से बन चुकी है और जो पूरी तरह से बन चुकी है और इसको अभी खाने का टाइम हो चुका है। सो अभी पहले मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हाथ कौन धोता है, ऐसे हाथ से ही खा लेता हूँ और फिर बाद में धो लूँगा। सो यस, तो अभी आप देखिए थोड़े से सिनेमैटिक शॉट, यस काइंड ऑफ सिनेमैटिक शॉट जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो अब इसको एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। देखिए अब शॉट। बहुत ही खट्टा होता है और ये भी खाने के लिए देखो अभी। खाएंगे इसको और अभी हाँ मसाले, हाँ पापा।